बाकी गाइस हम लोग अब अलग अलग रूट में जाने वाले हैं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे सेफ होंगे। तो अभी सुबह का 6:30 बज गए और हम लोग जग गए और रात में हम लोग का ठिकाना था पेट्रोल पंप में, क्योंकि रात में 3-4 जगह पूछने के बाद हमें फाइनली एक पेट्रोल पंप मिला और भाई ने किसी से बात किया था फिर रुकने के लिए। उधर पे हमारा हम सफ़र है, पीछे देख रहे हो उधर पे, और भाई भी उधर पैकिंग कर रहा है और फिट एंड फाइन है हम सफ़र भी और हम भी एकदम फिट एंड फाइन है। लेकिन आज थोड़ा कैसा लग रहा हूँ एक बार कमेंट करके बता रहा ओ भाई। तो बाकी गई आज का मौसम का हाल बता दें आपको भाई, आज हो रहा है बारिश, देख रहे हो बदल, और अभी अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ है, अभी बदल भी है और आगे हो सके तो बारिश हो सकता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है इधर का मौसम का। तो बाकी यहाँ का पेट्रोल पंप वाले भैया को थैंक यू सो मच, आपने हमें रात में स्टे करने के लिए दिया। तो बाकी गई आज का राइड होने वाला है कोयम्बतूर, यहाँ से 180 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग मैं आज जितना हो सके उतना राइड करूँगा, मतलब 100 किलोमीटर तक खींच लूँगा कि कल हो सके वो आधा राइड कर लूँ। तो बाकी चलते हैं राइड, नया दिन और नया राइड का एंजॉय करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग का एंजॉय कीजिए गाइस। तो बाकी गाइस हम लोग निकल गए हैं आगे अपने जर्नी की ओर, और ये ऊपर में देख रहे हो ना, ये मेट्रो है, मेट्रो लाइन है ऊपर वाला, यहाँ भी मेट्रो चलता है भाई, मेट्रो सिटी है ये भी, कोची को छोटा मुंबई बोला जाता है भाई साहब। ये है मेट्रो स्टेशन आगे। तो बाकी गाइस सूर्यदेव भी दर्शन दे दिए हैं इधर पे, जय सूर्यदेव। और आज तो मौसम भाई कतई जहर, बहुत मस्त लग रहा है, ठंडा ठंडा, क्योंकि भाई बारिश होगा तो गर्मी से राहत मिलेगा यार, बहुत ज़्यादा गर्मी था। और हम लोग हाईवे में आ गए हैं और आज ये वाला हाईवे है, और आज भाई जो मेरे साथ राइड कर रहा था उसके साथ हम अलग हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे भाई, क्योंकि वो अलग रूट में जाएगा और मैं अलग रूट में जाऊंगा, तो आगे से हम लोग का रूट अलग हो जाएगा, तो फिर अकेला अकेला राइड करना पड़ेगा। बाकी आप लोग तो हो साथ में, क्यों गाइस। अब अलग अलग रूट में जाने वाले हैं, भाई चला जाएगा गुजरात और मैं चला जाऊँ कोयम्बतूर। भाई के साथ में 15 दिन तक थे भाई, बहुत अच्छा लगा यार, मस्त, मतलब दोनों राइड कर रहे थे तो अच्छा लग रहा था, और भाई भाई से भी बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं भी सीखा भाई से, क्योंकि अलग अलग, क्योंकि जो साइकिलिस्ट होता है ना वो लोग के पास अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, तो भाई से तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत भी मज़ा आया भाई के साथ में। तो बाकी भाई जाएंगे अभी यार, ज़रा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे अपन लोग बिछड़ रहे हैं, तो क्योंकि उसका रोड कृष्ण भगवान के पास, भाई जाएगा कहाँ रे तू? कोयम्बतूर भोले बाबा, भोले बाबा के पास। तो फिर मिलेंगे कश्मीर में, मिलेंगे फिर। तो भाई अब देखते हैं कहाँ मिलते हैं, तो बाकी भाई का भी रूट अलग अलग है, तो बाकी भाई ठीक है। Thank you.
बाकी गाइस मैं निकल गया आगे, कोयम्बतूर वाला रूट है ये, और वो भाई निकल गए गुजरात वाले रूट में। यार आप दोनों जने राइड कर रहे थे ना तो बहुत अच्छा लग रहा था, अब थोड़ा अकेला अकेला फील हो रहा है क्योंकि 15 दिन तक भाई साथ में थे और बहुत भाई साहब दोनों जने एक्सपीरियंस शेयर किए मेरा उसका, वो अच्छा लग रहा था। अब थोड़ा अजीब फील हो रहा है क्योंकि भाई साथ में रहोगे और अचानक तुम निकल जाओगे तो फिर अच्छा, लेकिन कोई नहीं, एक ना एक दिन तो दूसरे रूट में जाना ही था, अब फिर अकेला चलना है क्योंकि अकेला निकले थे फिर अकेला निकलेंगे और मिलेंगे बीच में। तो बाकी आप लोग तो साथ में हो तो आप लोग राइड का एंजॉय कीजिए, इस जर्नी का एंजॉय कीजिए। अभी जो ये हाईवे में हम जा रहे हैं, ये हाईवे है NH 644, उसके बाद आगे मिलेगा हमको NH 66 फिर से। और ये वाला हाईवे बहुत सुंदर है भाई, सिटी सिटी होते जा रहे हैं। और मौसम का आज हाल तो आपको सुबह ही दिखा दिया था मैं, बारिश हो सकता है लेकिन अभी थोड़ा बदल वाला धूप गया है, बदल वाला धूप यही तो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करता है भाई, बदल वाला धूप बहुत ज़्यादा लगता है गर्मी। भाई देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा गाड़ी चल रहा है। हाईवे है ना गाइस, इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यार, और बहुत भीड़ है, बहुत गाड़ी चलता है भाई साहब। और भाई ऊपर है काले बादल, बादल भी गरज रहे हैं, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है बाबा कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं जहाँ बारिश आएगा वहाँ रुक जाएंगे। तो बाकी गाइस बारिश स्टार्ट हो ही गया, देख रहे हो यार इधर बारिश, हाँ हाँ बढ़िया है, गर्मी तो कम होगा थोड़ा बहुत। बाकी हम एक जगह पे रुके हैं, यहाँ पे बढ़िया चेयर बनाया भाई, कितना मस्त भाई साहब देख रहे हो, और सब ना किस चीज़ के बनाया तो पता नहीं। और अन्ना उधर पे आधा घंटा बारिश होने के बाद अभी थोड़ा बारिश रुका हुआ है तो हम निकल गए हैं आगे। और बारिश हुआ है ना तो बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, गर्मी से तो राहत मिल गया, लेकिन आगे और हो भी सकता है बारिश क्योंकि इधर पे मौसम का कोई ठिकाना नहीं है रे बाबा, देख रहे हो ना मौसम सुहाना है पूरा। भाई इस साइड में ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है, कम ही बारिश हुआ है इधर पे, उधर पे थोड़ा ज़्यादा बारिश हुआ। गाइस बहुत समय बाद पहाड़ देखने को मिल रहा है, उस पहाड़ से निकल रहा है धुआं, और इधर पूरा नारियल का पेड़ देख रहे हो, आहा कितना मस्त लग रहा है नीचे भाई, आहा इसमें और काला छाया हुआ बादल वाला जो हाईवे है ना गाई, ये बहुत ज़्यादा अप डाउन है यार, अप डाउन में राइड करने में बहुत दिक्कत है। खेत खलियान देखने को मिल रहा है इधर पे, देख रहे हैं अभी धान वान लगाए नहीं इधर,
और तो बाकी तो पूरा नारियल का ही पेड़ है भाई, कितना ज्यादा है यार। साउथ केरला में ही सबसे ज्यादा नारियल का पेड़ है लग रहा है। पूरा बाग ये देखो, पूरा नारियल का खेती किए, पूरा प्लाट में नारियल। और ये जो भाई साहब हाईवे के बीच में लगाए हैं ना, इसको क्या बोलते हैं यार, बांस, बाकी और क्या नाम बोलते तो पता नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है, अप डाउन है बस, वही जानो वही तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन ये तो हम लोग का रोज का काम है भाई। कहीं रोड अच्छा मिल जाए तो कहीं क्या मिल जाए, सही है भाई साहब। कई मस्त व्यू है यार इधर पे देखो, हा हा हा, सभी तरफ हरा भरा, ए हरा भरा केरला। ऊपर है काले बादल और हम इस हाईवे पे चल रहे हैं। आज का फर्स्ट टोल गेट, और ये टोल गेट बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं भाई साहब, देख रहे हो ऊपर जो छावन जैसा बनाया, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है बाइक और साइकिल वालों का रास्ता, ऑटो वालों का, उधर पे है कार वालों का रास्ता। सभी हाईवे में जाते जाते NH 544 हाईवे, इधर है सीधा ये वाला है कोयम्बतूर वाला रोड, ये सीधा हाईवे देख रहे हो। और यहाँ पे अभी है एक होटल, क्योंकि खाना खाना है भाई, बहुत भूख लग रहा है, अब चलते हैं खाना खाने के लिए। क्या है इस आ गया दिस दिस राइस नेम राइस नेम नेम चटा इन्होंने नेम पेरे पारीट पेरे कुर्दा 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 ओ तो गाइस ये चावल का नाम है कुर्दा। दिस नेम मोरी करी मोरी करी ओ द मोरी करी हिंदी नेम लौकी हिंदी मालूम हिंदी वाले अच्छा मालूम ओके ओके कोट करी कोट करी वीडियो सब्जी हां हां इसको क्या कुपेरी कुपेरी सब्जी ओ ओके ओके और अच्छा ओके ओके पपड़ा है हां हां पापड़ ओके ओके तो गाइस हम ओ टेस्ट करो सुपर। ये वाली चटनी ना बड़ा गजब लगता है, ये है आम का चटनी, कच्चा आम है ना उसको बनाया था। और देखो पापड़ भी दे दिए है ना, फिश करिया मछली का, हाँ हाँ मछली भी मंगाते हैं, मछली भी खाते हैं भाई फिश करी, तो बाकी खाते हैं। साहब उतना समय से बदल था और बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब क्या बताएं भाई यार, अभी तो गर्मी हो गया है, धूप हाय गर्मी भाई साहब, इतना धूप है देखो ना, सीधा ना कनपट्टा को धूप दे रहा है, बताओ इस साइड से। यहाँ का टेम यहाँ का मौसम का कोई ठिकाना नहीं है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब उतना समय बारिश हो रहा था इधर पे, उतना समय इतना बादल था ना भाई काला वाला, लेकिन अभी कहाँ गया वो दिन कहाँ गए वो बादल भाई साहब, आ जाओ गिर जाते यार, बारिश और हो जाए, बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कोई नहीं सह लेंगे सह लेंगे। बाकी यार वहाँ जो खाना खाया ना, बहुत लाजवाब खाना खिलाया भाई, बहुत मस्त लगा था। और वो भाई ये चावल मेरे को बहुत पसंद आया इधर के, जो चावल है ना मोटा मोटा वाला, क्या नाम बोले यार उसका, नाम तो भूल गया मैं, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा था। और ये सुहाना मौसम, धूप में भी सुहाना मौसम, आहा हा। आज का रहने का आशियाना तो मिल गया, ये है भारतीय पेट्रोल पंप, तो भगवान सुन ले क्या, तो थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ा यहाँ पेट्रोल पंप वाले से, क्योंकि इधर पे बस वस है ना, बस वस रहते हैं, तो फिर बोले कि बस वस भी रहते हैं, तो आप लोग देख लो किधर पे रहना। तो मैं बोला यार मेरे को छोटे से जगह चाहिए रुकने के लिए बस, क्योंकि हमें तो रुकना ही है बस भाई, और ज़्यादा घूमना नहीं है, तो इधर पे अपन टेंट लगा लेंगे, इधर पे खुला जगह है, आसमान खुले आसमान में, और बाकी इधर पे अपना हम सफ़र। अभी बस वाले भैया देख रहे हैं अपने हम सफ़र को क्या है करके, तो बाकी ये पेट्रोल पम्प है कुछ, या भारतीय
भारतीय पेट्रोल है, भारत पेट्रोल पंप। बाकी आज यार मौसम देख रहे हो ना, पूरा बादल छाया हुआ है, रात में बारिश हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने पास सब जुगाड़ है भाई। तो बाकी यहाँ पे इधर पे टेंट लगा देंगे, इधर पे कहीं आसपास में, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों रुकना है रात भर, और सुबह 4 बजे निकल जाएंगे अपन। आज का ब्लॉग कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हो सके तो बेल आइकन को दबा देना और शेयर भी कर देना। बाकी खाना, बाकी जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।